गरीब आदमी, तो सारी जिंदगी जिस तरह कोल्लू में बैल जुता हुआ होता है, काम काज में जुते रहते हैं और कमाई कर करके लोगों की ज़रूरतें ही पूरी करते रहते हैं। एक बेटी की शादी की और जमा शुदा पूंजी उस पे लगा दी, मकरूज हो गए, फिर कुछ अरसा कर्ज़ा उतारते रहे और फिर उसके बाद बेटी की शादी की तैयारी में लग गए। और इसी तरह बेटों की शादियां भी आसान नहीं रही, उसमें भी जो दौरे मौजूद के तकाजे हैं और फिर जिस तरह भारी और भरकम वलीमा करने का एक कल्चर पैदा हुआ है, जिससे आप ये मुआशरे को बताना चाहते हैं, अपनी बरादरी को बताना चाहते हैं कि हम इतने मुअस्सर हैं और हमारे ताल्लुकात इतने वसी हैं। आपका कद काठ और आपकी शनाख्त वलीमे के हुजम से मालूम होगी, शादी की तकरीब के बड़ा और छोटा होने से पता चलेगा कि कोई शख्स कितना मुआशरे का बाविकार शख्स है, जबकि माजी में किसी शख्स के किरदार से पता चलता था वो कैसा शख्स है, किसी के रवैयों से समझ आती थी कि वो कैसा शख्स है, उसके किए हुए वादे बताते थे कि वो कैसा शख्स है, उसकी ज़ुबान की सच्चाई, उसका तर्ज ज़िंदगी, उसका अंदाज़े मुआशरत, उसका तर्ज वफा बताता था कि वो कैसा शख्स है। लेकिन आज चूंकि ये अकदार दम तोड़ गई हैं, तो हम अपने आप को बड़ा बताने के लिए और अपनी शनाख्त करवाने के लिए हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं जो किसी शख्स की शनाख्त नहीं होती। तकरीबात का हुजम बढ़ा करके और अपनी दौलत की नमाइश करके और कुछ शख्सियात को अपने पास मदऊफ करके हम ये तासुर देना चाहते हैं कि हम इस मुआशरे के इंतहाई अहम शख्स हैं और हमारे ताल्लुकात का सिलसिला बहुत दूर तक फैला हुआ है। और नतीजा क्या कि हमारा सारा सरमाया इन्हीं कामों के अंदर सरफ हो रहा है। मुतवस्सत लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत और बहुत बड़ा मसला बन जाता है और गरीब आदमी भी इस चक्की में पिस रहे हैं। ये जहेज का कल्चर और ये लश्कर की सूरत में बारातों की आमद, घर के कुछ अफराद और कुछ ज़रूरी लोग अगर आ जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये 500-500 लोग एक लश्कर की सूरत में बेटी वालों के घर आएं, इसकी कोई तुक बनती नहीं है। और फिर लोग शुरू यहाँ से होते हैं कि आपने जो देना है वो तो अपनी बेटी को देना है, हमारे ये मेहमान आपके यहाँ पहली बार ही आएंगे तो हमारे मेहमानों को खुश होना चाहिए, उनके बैठने का इंतज़ाम अच्छा होना चाहिए, उनके खाने का एहतमाम ठीक होना चाहिए, हमारा तो बस यही मुतालबा है। और फिर वहाँ से रास्ता खुलता है और जहेज़ के मुतालबात भी शुरू हो जाते हैं। बेटी वालों पे बोझ नहीं डालना चाहिए, लेकिन बेटे वालों पे भी बोझ नहीं होना चाहिए। जब किसी मुआशरे में निकाह मुश्किल हो जाता है तो उस मुआशरे में बदकारी फैलती है, इसलिए निकाह को आसान बनाओ ताकि बदकारी की तरफ रगबत और आसानी ना हो। हमें सादगी के साथ निकाह करने की तलकीन की गई है, फरमाया निकाह ऐलानिया करो और निकाह को मस्जिदों में मुनअक़िद करो, और बेहतरीन निकाह वही है जिस पे खर्चात बहुत थोड़े और कम आते हैं।